हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग काफी शानदार और सबसे ज्यादा स्पेशल होने वाला है। पता है क्यों? क्यों फोन लेने जा रहे हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं नया फोन लेने। ये वाले फोन को चेंज कर रहे हैं, नया फोन लेने जा रहे हैं। अब जो ब्लॉग आएगी उसी फोन से आएगी। नाइस। तो आप चैनल पर नए हैं तो अब तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप तो एकदम मस्त वाले फोन लेने जा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी बहुत मस्त होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो तो, पुराने हो तो। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। पता ही क्या करना है यार, कमेंट करना, लाइक करना है, शेयर करना है। बाकी फोन लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तब तक आप ब्लॉग में बने रहो। ब्लॉग को अभी एक स्किप मत करना यार, स्किप करोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। फिलहाल निकल जाते हैं, अभी सो के उठे हैं जस्ट, और सो के उठते ही हमको निकल जाना है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से लेके आते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। साथ में उसका अनबॉक्सिंग वीडियो और फर्स्ट रिव्यू भी दिखाएंगे। तो पता है बाकी गाड़ी का है, हमारा स्कूटी उस साइड लगा, पार्किंग चेंज हो गया गाइस। कभी उस पार्किंग में लगाते, कभी इस पार्किंग में। तो अभी एक गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। ये रहा अपना स्कूटी, निकलते हैं, फिर आके मिलते हैं आपको। तब तक आप ब्लॉग में बने। सो गाइस, पेट्रोल डला लिए हैं, क्योंकि जाना है अभी काफ़ी दूर है, न्यू मार्केट जाना है, वहाँ से फ़ोन लेना है। क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में फ़ोन काफ़ी सस्ते होते हैं ऑनलाइन मार्केट से, मैंने कंपेयर करके देख लिया है। बाकी जाते हैं न्यू मार्केट, वहाँ पे लेंगे एक मस्त सा फ़ोन जिसका कैमरा काफ़ी अच्छा हो। बाकी ये गाड़ी चला रहा है, पेट्रोल फुल कर दिया। अरे रे, बाकी अरे गड्ढा वड्ढा मत डालो। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको न्यू मार्केट में। तब तक आप ब्लॉग को पूरा देखना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस, आ गए हम न्यू मार्केट, फटाक से फ़ोन लेते हैं। वो दिख रहा है हमको ओप्पो का दुकान, ओप्पो का शोरूम। जल्दी से फ़ोन लेते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं। बाकी ये बात कर रहा है फ़ोन पे, पता नहीं कैसे कर रहा है। जल्दी से लेते हैं फ़ोन गाइस, बहुत टाइम हो गया, धूप कितना है यहाँ पे। फटाक से फ़ोन लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट फ़ोन लेने के बाद। सो गाइस, फाइनली ले लिए हैं फ़ोन। ये रहा फ़ोन, फ़ोन इसके अंदर है। कौन सा फ़ोन है वो आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा। बाकी मैं घर पे जाके इसका अनबॉक्सिंग वीडियो डालूंगा। अभी घर जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या है इस फ़ोन का फीचर्स और कैसा दिखता है ये फ़ोन, फर्स्ट लुक कैसा है फ़ोन का, ये घर जाके दिखाएंगे। फिलहाल फ़ोन तो ले लिया है, कुछ खा लेते हैं, भूख लगा है, और कुछ काम है वो भी निपटा लेते हैं, फटाक से निपटाते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक आप ब्लॉग में बने रहो। सो गाइस, फाइनली घर आ गए हैं और अब आपको दिखाएंगे अपना फ़ोन का अनबॉक्सिंग, कैसा है फ़ोन, कैसा दिखता है पहली बार में। बाकी इसको देखो, बेल्ट लेके घूम रहा है पीछे। सौरभ का बर्थडे मनाना है, बर्थडे मनाना है इसको। मेरा बर्थडे कब है गाइस आप लोगों को पता होगा ना, हाँ कमेंट करके बताना। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। कितने को है? 23 बताना, रिवील नहीं करना। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है फोन यहाँ पे है, और मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से भी कैसा है फोन। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, ये है डब्बा, डब्बा में लिखा हुआ है अपना ओप्पो F19 Pro। इसको साइड में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं सबका। बाकी ये बॉक्स खुल रहा है, बॉक्स के जस्ट नीचे एक छोटा सा बॉक्स और मिलेगा, शायद इसमें TPU केस मिलेगा। देखते थे इसके अंदर क्या है, अरे फट गया है। चलो हाँ, इसके अंदर केस है और कुछ पुत्रिका। क्या बोला तूने? सॉरी, पत्रिका है, सॉरी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कुछ लिखा पढ़ा पत्रिका है जो कभी हमारे काम आते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर रखे हैं, ये केस काफी अच्छा लग रहा है देख के, इसको भी साइड रखते हैं। बाकी इसके जस्ट नीचे फोन है, दिखता तो बहुत मस्त है। वैसे हमने एक बार अनबॉक्सिंग कर लिया, चला के देख चुके हैं वहां पे, बस आपके लिए इसको पैक किए। समझ रहे हो ना। इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, एक चार्जर 65 वाट का चार्जर काफी हैवी है। उसके नीचे ओह, ईयरफोन, आज के बॉक्स में ईयरफोन कब से मिलने लगा। देखो गाइस, यही ओप्पो वीवो का कमाल है कि अभी पुराने सीरीज़ में मिल जाते हैं ईयरफोन। और साथ में एक USB-C टाइप का केबल है, केबल भी काफ़ी अच्छा है। चलो ये सब रखते हैं साइड में, बाकी फोकस करते हैं अपने फ़ोन पे। चलो इसको हटाओ, चलो फ़ोन को खोला जाए।
ये देखो कुछ ऐसा लुक है फोन का। चलो इसका भी, ये भी उखाड़ दिया जाए यहाँ से। IMEI नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर एक फोन के लिए। छोड़ो, अब देखो गाइस 5G। चलो इसको बूट कर दे, बूट करके देखते क्या कुछ है फोन के अंदर। सो गाइस ये देखो, बहुत ही कम टाइम में फोन ऑन हो गया। बाकी इसमें पिन डालना है। ये देखो गाइस इसका इंटरफेस देखो कितना मस्त है। डिस्प्ले भी इसमें सुपर एमुलेट आता है, इसलिए गाइस बहुत मस्त लगता है देखने में। बाकी इसका कैमरा मेन पर्पस अपना कैमरे का है, तो अपना कैमरा दिखाते हैं आपको। ये देखो कैमरा, क्या मस्त कैमरा है। फ्रंट कैमरा भी देखो, बैक देखो, कैमरा बढ़िया गाइस। इसमें है 8 GB रैम। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा से। गाइस ये था हमारे पास पुराने वाले फ़ोन, रेडमी का Note 10। देखो पुराने वाला फ़ोन कैसा है। ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे वीडियो क्वालिटी थी। आपने जो ब्लॉग देखे थे सारे इसी फ़ोन से हम शूट करके डाल देते, पर अब नया फ़ोन ले लिए क्योंकि इसमें जो था कि फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा नहीं था, पर इसमें काफ़ी अच्छा है। ये है ओप्पो का F19 Pro Plus 5G, क्योंकि अपडेट करना ही था हमको 5G के कारण, तो ये वाला फ़ोन लिए हम, जिसमें कैमरा काफ़ी अच्छा है। आगे का 14 यानी फ्रंट कैमरा 16 MP का है, और पीछे का 4 कैमरा दिए गए हैं 48, 8, 2, 2। बाकी हमको तो दो ही कैमरा चाहिए, एक तो मेन प्राइमरी सेंसर है, सेकेंड वाइड एंगल, तो दोनों इसमें है। काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छा है, और साथ में स्टोरेज के साथ 5G है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब इस फ़ोन से आपको ब्लॉग आएगी। छोटा सा अपडेट के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया था, तो आप लोग देख लो कि आप किस फ़ोन से हम ये ब्लॉग शूट करते हैं। बाकी कैमरा क्वालिटी कैसा हो मैं अभी दिखाता हूँ उस फ़ोन से। सो गाइस ये है ओप्पो F19 Pro Plus 5G। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस मैं आपको एक कंपेरिजन दिखा रहा हूँ कि हाँ पुराने वाले फ़ोन से नए वाले फ़ोन में कुछ कैमरा क्वालिटी का डिफरेंस आएगा नहीं। आप देख लो, अब इसी कैमरे से आएंगे यहाँ के ब्लॉग, जितने भी मेरे चैनल पे ब्लॉग आएंगे अभी फिलहाल तो इसी कैमरे से आएंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।